मैं भी जी लूंगा उसके बगैर। आज से रिधा का चैप्टर यही खत्म। खुशियों के साथ तो कोई भी जिंदगी गुजार सकता है, गम को दोस्त बनाकर जीना कमाल है। खुद ही है खुद को मिटाया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज को क्या हो, आप रो रही हैं? कुछ नहीं हुआ, तुम हाथ मुंह धोने में खाना लगाती हो। आप खाने पीने को छोड़ें, बैठ। क्या हुआ? बताएं क्या हुआ। मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती था, तुम्हें ताजा है। अपने जवान बेटे को इस हाल में देखना एक माँ के लिए कितना तकलीफ दे होता है। कलेजा खिंचता है मेरा, सांस घुटती है मेरी। इसे तो अच्छा है तुम्हें एक दफा हमारा गला दबा के हमें मार दो। इस रोज रोज की हैसियत से तो जान छूटे ही ना, नहीं देखा जाता तुम्हें इस हाल में। बच्चे जवान होते, माँ बाप का सहारा बनते, और तुम हमें बेसहारा करके जा रहे हो। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने नहीं कहा नाजिया से, नहीं कहा कि मैं मुल्क छोड़कर चला जाऊंगा? ऐसे क्या है उस लड़की में? तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? क्यों शोक मनाए जा रहे हो उसका? मैं वादा करती हूँ तुमसे दाई, मैं उससे बहुत अच्छी लड़की तुम्हारे लिए ढूंढ के लाऊंगी। मुझे नहीं करनी शादी। अगर शादी नहीं करोगे तो क्या जिंदगी भर यूं ही मातम करते रहोगे और हमें ये बावर करवाते रहोगे कि तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार हम हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, लेकिन तुम्हारा रवैया तो यही कह रहा है ना, चीख चीख के, कि जैसे हमसे कोई गलती कोई गुनाह हो गया। अच्छा छोड़े ना, ये बात मेरी गलती है, मुझे इस वक्त ये बात करनी नहीं चाहिए थी। सोचना चाहिए था, मेरा बेटा थका आ रहा है, उसने कुछ खाया भी है कि नहीं? तुम जाओ बेटे, जाके हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। क्या हो गया है आपको? जवान बच्चा इसलिए जे मैं बात करते हैं, पहले ही उसका दिल टूटा हुआ है। आप ऐसे बात करेंगे उससे तो उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। हमें जो तकलीफ हो रही है इस बात का एहसास है उसको? जाने दे। दूसरा पासपोर्ट है, इधर तो रखा था। ये तो अफान का है, मेरा पासपोर्ट कहाँ है? अफान, अफान, जमाट होते, माँ बाप का सहारा बनते। तुम हमें बेसहारा करके जा रहे हो। तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से अम्मी अब्बू कितने परेशान हैं? और ये सब किसके लिए? उस लड़की के लिए जिसके लिए तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। बहुत खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियां कर रही है वो दाइम,
ये क्या कह रहा हूँ मैं और किस लिए? कुंवर अपने घर वालों को परेशान करके क्या हासिल होगा मुझे? कुछ भी नहीं। फिर क्यों मैं अपने साथ इन्हें इस अजियत में घसीट रहा हूँ? ठीक है, नहीं मिलती बहुत से लोगों को उनकी मोहब्बत, मैं भी जी लूँगा उसके बगैर। आज से रिधा का चैप्टर यही ख़त्म। खुशियों के साथ तो कोई भी ज़िंदगी गुजार सकता है, गम को दोस्त बनाकर जीना कमाल है। और अब मुझे यही करना है।